और राइस के ऊपर जो कवर होता है, धान के ऊपर जो बेसिकली होता है, वो इधर से निकल के आ जाएगा। पॉपुलेशन 700 to 750 ऐसा कुछ। और ये बैंग बोलता है, बैंग मींस ये लड़की लुकुन के लिए। सब जानवर की खाल से बना हुआ है। इधर ये आप बाल भी देख रहे होंगे, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। देखिए ये हमें इस्तेमाल होता है कि हम लोग शोर को फिर खिला देते हैं। किसको? पी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आ चुका हूं पिल्लेकुल विलेज में। और विलेज में आके कल मैंने ट्रैक किया, जो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ट्रैकिंग का। देन ट्रैकिंग के बाद मैं तुरंत लालपम भाई से मिला और मैंने पूरी रात उनके भाई के घर पे ही स्टे किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। भाई ने बिल्कुल फैमिली की तरह मुझसे ट्रीट किया, अच्छे से खाना खिलाना पिलाना। और रात को फिर हमने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इधर हमने बोन फायर किया, सामने स्टे रखे बैठने के लिए। इधर हमने बोन फायर किया और बोन फायर करने के बाद काफ़ी देर इन्जॉय किया। और ये लालपम भाई का घर है इधर, इधर वो सोता है। ये पूरा किचन है उनका जो बना हुआ है अभी ट्रेडिशनल। और सामने इन्होंने अभी होम स्टे बनाया है, ये होम स्टे भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रिपेयर हो रहा है। और उधर वॉशरूम वगैरह है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हुई नहीं है यहाँ पे। चलो मैं अभी एक बार आपसे भाई से भी मिला देता हूँ और कुछ इनके ट्रेडिशनल चीज़ें जानते हैं इनके कल्चर के बारे में। और ये प्रॉपर इनका विलेज है यार। यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो जियो का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, जियो में आपको परेशानी होने वाली नहीं है। अगर आपका एयरटेल का है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। अदरवाइज़ अगर मैं पूरे आसाम जो मेरी ट्रिप चल रही है इसमें बात करता हूँ तो एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छे से वर्क किया। अगर जिसके पास दोनों ही हैं एयरटेल और जियो, वेल एंड गुड, एंड जैसे कि मेरे पास है तो देन दोनों नेटवर्क होने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। और लास्ट में जो कल हमने ट्रैक किया था वो उस पीक पे टॉप पे किया था। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हालांकि मैं ज़्यादा देर वहाँ पीक पे रुक नहीं पाया। रीज़न ये था कि अंधेरा होता जा रहा था और जंगली जानवरों वगैरह का भी डर था। सो ये रीज़न रहा। लेट्स गो, एक बार मिलाता हूँ भाई से। हेलो भाई, कैसे हैं? हेलो, आप पहचान गए होंगे, कल भैया ने ही हमारा टिकट काटा था। सो और बताइए भैया कुछ अपना ट्रेडिशनल के बारे में। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, मेरा नाम मिस्टर लाल बैम है। और यहाँ जो असम में जो एक ट्रैकिंग पॉइंट, इस ट्रैकिंग पॉइंट में माउंट सिल्कल, इसका जो टूरिस्ट कोई आ जाता है इसमें देखभाल करता हूँ। सो बेसिकली माउंट सिल्कल जो ट्रैक हमने कल किया था, वो उस ट्रैक में भैया एक्चुअली गाइड का काम करते हैं और भाई का खुद का होम स्टे भी है। सो नीचे सबसे पहले आके पार्किंग चार्ज और अपना टिकट भाई काटेंगे और एक टिकट ऊपर कटेगा और फिर आप भाई को एज ए गाइड ऊपर ले जा सकते हैं। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर लेके जाना है। और आगे भाई आपको बताएंगे अपने बारे में कुछ या गांव के बारे में। जी, ये पिल्लेकुल विलेज की मतलब पुराना लेकुल, ये 150 ईयर्स हो चुका है। तो यहाँ इस गांव में 112 हाउस होल्ड होगा और इसके विलेज का पॉपुलेशन 150-160 ऐसा कुछ है। तो ये इस विलेज को कुकी ट्राइब से बिलोंग होता है दिमासा डिस्ट्रिक्ट में। सो ये दिमासा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली कुकी ट्राइबल्स का गांव है और पिल्लेकुल विलेज का नाम है और इस पे ट्रैक होता है। सो मैं आपको बोलूँ आप मस्ट विजिट, आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। और भाई का नंबर भी मैं अभी आपको दूंगा, पहले एक बार भाई का ट्रेडिशनल देखते हैं होम और इनके जो अपने ट्रेडिशनल हथियार है हंटिंग करने के लिए। सो लेट्स गो दोस्तों, एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं। सो ऐसा कुछ है, ये फादर हैं भैया के। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है, ये छोटे भैया अपने। ये होता है हम लोग बैंग बोलता है। ये इसमें डिफरेंस क्या है कि ये लड़का लुक पहन लेता है। ये जब हैवी वेट वाला चीज जो लेकर जाना हो तो जैसे कि लकड़ी वगैरह इसमें लेकर जाता है। और ये बैंग बोलता है, बैंग मीन्स ये लड़की लुकुन के लिए। सो बेसिकली ये बास्केट है, ये लड़के लेके जाते हैं और हैवी सामान के लिए होता है, लकड़ी वगैरह या और कुछ सामान लाना हो। और ये लड़कियों के लिए होता है, तो स्पेशली जो लड़कियों का अगर कुछ राइस सब्जी वगैरह कुछ लाना हो तो उसके लिए यूज़ में आता है। और ये इसमें क्या काम क्या आता है कि ये हम लोग क्योंकि भाषा में हम लोग नामकोल बोलते हैं। नामकोल, हाँ जी,
और इसमें यहाँ पे बांधेगा, गले पे लगाता है इसको, है ना, गर्दन पे। तो इसमें क्या है कि ये 50-50 है, जब यहाँ ज्यादा वेट हो जाता है तो आपका यहाँ दर्द हो जाता है, ये छोड़ के इसमें भी सपोर्ट ले सकते। अच्छा, ये अगर ये ज्यादा डर हो जाता है तो सर पे सपोर्ट ले लेता है, इसमें फायदा। ओके, सो देखा दोस्तों कितनी प्यारी चीज़ है ये। और बाकी मैं एक बार इधर से ये पूरा दिखा देता हूँ भैया का, जो ये ट्रेडिशनल होम आप इनको बोल सकते हैं भैया का। और ये हम लोग जिसको हम लोग चौकी बोलता है, ये चौकी अपने उधर स्टूल टाइप का होता है। और बेसिकली ये जानवर की, रियल जानवर की खाल से बना हुआ है। इधर ये आप बाल भी देख रहे होंगे, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। देखिए ये किस जानवर का है भैया? ये सिर्फ एक पर्टिकुलर का नहीं होता है। अच्छा, ये इसमें काफी जानवरों की खाल मिक्स है, इसका जो स्किन है फेंकने की वजह इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, सो बेसिकली ये जो है दोस्तों वो आप इसमें डियर की भी खाल मिक्स होगी, जंगली पिग भी हो सकता है, और भी काफी चीजों जानवर जो है अपने यहाँ जंगल में मिलते हैं उनकी खाल से उनको मिक्स करके ये बनाया हुआ है जो है। और अभी जब 2023-24 को, इस साल तो चला गया है 24 को, जब क्या होता है झूम खेत करेंगे इसमें फिर लगाने के लिए प्रिजर्व करने के यही पे रहा। ओके, सो ये बेसिकली भुट्टा है जो अपने उधर लोकल में बोलते हैं जिसको कॉर्न। तो ये अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे इस चीज़ की खेती होगी तो उसके लिए प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। और जैसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इनसे ये अपनी फल स्टार्ट करेंगे, फसल जो होती है। और ये चीज़ ये हम लोग इसको बाल बोलता है, बाल। ओके, बाल दोलगो बोलता है, दोलगो। ये बेसिकली खाने के लिए है। हाँ जी, ये जब पूरा ड्राई हो जाता है तो हम लोग ऐसा राउंड अप करके इस चीज को प्रिजर्व करके रखेंगे। ओके, जब अभी तो फिलहाल जूम खेत में सब्जी वगैरह मिल सकता है, लेकिन जब ड्राई सीजन होता है नहीं मिलता, उस टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखता है। ओके, और ये अपना किस चीज का भैया? ये डियर का ही है। ओके, सो बेसिकली ये देखिए जो कंकाल है ये डियर की हंटिंग करके और उसका रखा हुआ है भैया ने प्रिजर्व करके। सो ऐसा कुछ है, इधर जंगल में आपको सब मिलेगा। ये चीज़ जब चर्च में सर्विसिंग हो जाता है तो जब वर्शिपिंग का टाइम हो जाता है। किस चीज़ का? फेस्टिवल टाइम? नहीं, जो हम लोग क्रिश्चियन में जब वर्शिप हो जाता है तो जब वर्शिप के लिए ड्रम के लिए इस्तेमाल। अच्छा अच्छा, सो इसको ऐसे बजाया जाता है दोस्तों वर्शिप जो इनका टाइम होता है उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। काफी अच्छा, ये भी एनिमल की खाल से बना हुआ है ना? जी, इसमें लकड़ी से बनाया होता है, ये बैम्बू से। ये केन। ओके, ये केन होता है, इसमें ये लकड़ी होता है। हम लोग नामकोल बोलता है, नामकोल। हम लोग ये चेमलोंग बोलता है, चेमलोंग। ये हम लोग क्या इस्तेमाल क्या होता है कि हम लोग जब जंगल जाता है, जंगल जाता है जैसे कि उसको जंगल में जूम खेत करने के लिए हम लोग जाता है ना। सो इसको देखिए यहाँ पे बटन भी बनाया हुआ है काफी अच्छे से, ये देखो ये ऐसे फिट हो जाएगा। और इसको रख के इसको, और ये इसको क्या बोलते हैं दाई? चेमलोंग, इसको हथियार को। ओके, ओके, सो ये चेम होता है हथियार। सो बेसिकली ये हथियार जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, चेम बोलते हैं इसको। और ये जंगल में एक लोता ऐसा हथियार है जो हर यहाँ हर ट्राइब मतलब कुकी ट्राइब में बेसिकली सबके पास मिलेगा, राइट? सो ये हंटिंग के लिए भी यूज़ होता है और बाकी जंगल में पेड़ पत्ते काटने के लिए भी और बैम्बू वगैरह काटने के लिए यूज किया जाता है इसका। ये हम लोग लो बोलता है, लो। लो इस चीज को जब जो भी जूम खेत में लेकर जाएगा, लेकर आता है इस चीज को, सामान चीज को रखने के लिए ये हम लोग बनाता है, ये लो बोलता है। अच्छा, लो है ये? हाँ, ये बैम्बू से बनाया हुआ है, केन में भी बना सकता है, लेकिन डिजाइन यही होता है, यही। ओके, सो बेसिकली ये भी बैम्बू से बना हुआ है। और बाकी छोटे मोटे मैं बात करूँ, काफ़ी हथियार है। और ये बैम्बू के लिए बेसिकली इसको यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए। अच्छा, ये गफलेंग बोलता है हम लोग, गफलेंग। गफलेंग, हाँ जी, गफलेंग को क्या इसमें इस्तेमाल क्या होता है कि हम लोग जब खेत में झूम से राइस वगैरह लेकर जाता है
तो उसको राइस मिल में देने के लिए ड्राई होना पड़ता है। इस चीज को यहाँ पे इसमें राइस को रख देते हैं, वो ड्राई हो जाता है। ड्राई अप करके राइस मिल में, और ड्राई होने का रीजन ये नीचे जो आग जलाते हैं उसकी वजह से ऊपर धुआं लगता है और उससे ड्राई होता है। तो बेसिकली इस चीज के यूज होते हैं वगैरह करना हो तो इसमें भी, ये देखिए पोक वगैरह को स्मोक करना हो तो इधर लगा के और उससे उसको भी स्मोक किया जाता है इधर, और ऐसा कुछ है ये। बाकी जितना भी ये बना हुआ है बेसिकली सब बैम्बू से बना हुआ है। और चलते हैं अपना नए वाला वो देखते हैं क्या। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा असम के अंदर में स्पेशल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट डिमासा डिस्ट्रिक्ट को जो व्यूवर्स लोग है आइए विजिट कीजिए। इसमें क्या है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में 13 ट्राइब्स एक साथ में बैठता है, इसको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। और ट्रैकिंग पॉइंट हो जो भी है, राफ्टिंग वगैरह एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत सारा एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। सो बेसिकली जो भैया रहते हैं वो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आसाम में। सो मस्ट विजिटेड प्लेस है, यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं जो कि भाई ने कल करवाया था, और शेर को क्या नाम था, शेलकट जो ट्रैक है वो ट्रैक आप कर सकते हैं। चलो लेट्स गो, अभी बाहर चलते हैं भैया को, और भाई बाहर चल के एक बार अपना जो नया होम स्टे भाई अब बना रहे हैं अपना, सो एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा अक्टूबर तक, अभी सेप्टेम्बर चल रहे हैं तो अक्टूबर एंड तक मैक्सिमम ये रेडी हो जाएगा। सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। ऊपर से आपको दिखा देता हूँ लकड़ी और उसके ऊपर टीन, ये रूम है इधर जो बन रहे हैं अभी, काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं ये देखिए, ये देखिए। और रात को मैं आपको बताऊंगा मैंने यहीं पे स्टे किया था। अभी आप चीप प्राइस में स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और भैया का काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही, खाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया। और है तो वैसे में से इसे छोटे लेकिन बड़े भाई की तरह इन्होंने देख रेख किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक बार भाई आप अपना ना नंबर और बता दो यहाँ पे। तो हाँ जी, मेरा नंबर है 8134076783। ठीक है, सो ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा गाइस। और भाई का नाम एक बार आप दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम है मिस्टर ललबे, मिस्टर ललबे भाई का नाम है, और नंबर ये आपने अभी भाई ने बताई दिया, और बाकी मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली भैया को कॉल करना, परेशान मत करना, जिसका प्लान हो वही यहाँ पे आए। और नियर बाई रेलवे स्टेशन अपना कौन सा है, महोर टाउन और हाफलोंग। हाफ लॉन्ग और माहौर दोनों ही पड़ता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हाफ लॉन्ग जाइए, एक आधा प्लेस और विजिट कर सकते हैं, और डायरेक्टली भाई को कॉल कीजिए, कैसे ना कैसे भाई आपको अपने पास बुला लेंगे उधर से। बेसिकली मैं और भाई अभी लॉन्ग को भाई अभी जा रहे हैं गांव विलेज को एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे ना लाइट वगैरह की किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, भाई पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा सिस्टम है, और यहाँ तक कि इन्वर्टर भी लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोकल विलेज में आ रहे हो और आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी ये कुछ आप लोकल विलेज आप इसको बोल सकते हैं आसाम का, दीमा साउथ डिस्ट्रिक्ट में। बैम्बू का वैसे यहाँ पे बहुत यूज होता है ब्रदर, बैम्बू तो जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है इसमें शामिल होता ही है। जैसे आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा पीछे, जिसमें ये मैंने आपको बताया था मैं सब्जी मंडी में लेके गया था, बैम्बू की जड़ को भी खाते हैं ना इधर, कच्चा नीचे से काट के और उसको भी खाया जाता है जब नया निकलता है, बैम्बू शूट कच्चा होता है नया निकलता है। सो बेसिकली जब वो कच्चा निकलता है नया होता है ना छोटा होता है, यानी कि उस टाइम में उसको जड़ को निकाल के काट के और जब खाया भी जाता है। और फाइनली कल यस्टरडे जब हमने डिनर किया था यहाँ पे भाई के यहाँ, एक्चुअली मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और मैं थक भी काफ़ी गया था ट्रैक करके। सो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बैम्बू का अचार पीकल जिसको बोलते हैं वो ट्राई किया, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार। आई थिंक वो उसी का पड़ता है जो बैम्बू की जो जड़ होती है उसका ही बनता है वो अचार, है ना? हाँ, वो नया निकलता है ना, उसको बॉईल करके पहले और फिर उसको डाला जाता है उसमें मसाला ऑयल के साथ रख के, जो चिली वगैरह डाल के ऐसा अचार में बनता है। तो भाई यहाँ पे अपना ये फुटबॉल का काफ़ी क्रेज है यार, मैंने देखा गाँव में ना हर जगह फुटबॉल के छोटे छोटे ग्राउंड बने हुए हैं, है ना? जो भी इस एरिया आओगे तो यहाँ लोकल जो भी ट्राइब बोलो सबसे इनका क्रेज है फुटबॉल। ये ट्राइबल होम होता है राइट, अब तो इसको एज ए वो रसोई की तरह यूज करने लग गए हैं, किचन की तरह। यहाँ घर होता है कि
लोग किचन को थोड़ा सेपरेटली सेपरेटली रखते हैं, तो ये ज्वाइनिंग सिस्टम नहीं होता है, किचन ज्वाइनिंग ऐसा नहीं, किचन को अलग सा बनाया जाता है, डाइनिंग रूम अलग सा, अलग सोने के लिए अलग से जगह है। बट जहाँ तक मैंने कल वो देखा था यहाँ पे, आपने मेरी एक वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने वो एथनिक विलेज गया था, तो वहाँ पे जो आपका बना हुआ था वो उसी में सेपरेट था, कोकी ट्राइब्स का उन्होंने वो बनाया हुआ था, हाँ घर बनाया हुआ था, हाउस बनाया हुआ था, और उसका ड्रेस भी था, तो किचन उन्होंने उसी में बनाया हुआ था, तो वो प्रॉपर ट्राइबल अब अलग सेपरेट करने लग गए, पहले साथ ही रखता था। हाँ पहले साथ में रखता। अच्छा, वो किचन में सब ज्वाइनिंग होता था। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल जो सेपरेट करके ही बनाया हुआ। सो अपने गांव में कितने घर हैं भाई, और कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इस किले के गांव में 112 ऐसा हाउस होल्ड होगा, और विलेज का पॉपुलेशन 700 to 750 ऐसा। ओके, पीपल का पॉपुलेशन। सो इसमें 100 के करीब गांव है, इस गांव में ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, और कम से कम 600-700 के करीब लोग इस गांव में रह रहे हैं, और एक स्कूल भी बना है शायद उधर। हाँ वहाँ पे, हाँ इस गांव में है LP स्कूल और MA स्कूल। अच्छा, LP और MA स्कूल। सो कितने क्लास तक वो स्कूल है? LP तो होता है 1 to 4 तक होता है। हाँ, LP जो स्कूल होता है वो 1 to 4 तक होता है। अच्छा, ME 5 to 8 तक। अभी चलते हैं, ये गांव था जो मैंने आपको दिखा दिया, हम इधर से थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी प्राइवेसी के लिए किधर किसी के घर के पास नहीं जाएंगे हम। सो ये आप देख सकते हैं, ये एथनिक प्रॉपर विलेज है। किस चीज़ का झाड़ है भैया? ये फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर्स ही है घर के सामने, ऐसा सुंदर रखने के लिए लगाया हुआ बेसिकली। हाँ, इस्तेमाल हो जाता है। सो ये फ्लावर है और सुंदर दिखने के लिए। ये क्या बनाया हुआ है? ये राइस मिल की घर। अच्छा, राइस इसमें स्टोक करके रखते हैं? हाँ, दिखा सकता है। अच्छा ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली ये राइस मिल है, और राइस मिल में पहले उधर राइस को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, जो मैंने दिखाया था उधर आँच में, और इधर फिर उनको निकाला जाता है। इसमें राइस को डाला जाएगा, जनरेटर स्टार्ट करके इसको, और ऐसा स्टार्ट करके, हाँ वहाँ पे जो है, यहाँ जो इधर से क्या निकलेगा, ये यहाँ पे ये चीज निकलेगा जो इसका कवर है। अच्छा अच्छा, हाँ ये कवर निकल जाएगा। हाँ, और राइस रह जाएगा, राइस इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, तो इधर से राइस निकल आएगा, और राइस के ऊपर जो कवर होता है, धान के ऊपर जो बेसिकली होता है, वो इधर से निकल के आ जाएगा। ये राइस का जो ऊपर का कवर आप बोल सकते हैं, धान के ऊपर जो होता है वो निकलता है। क्या क्या में इस्तेमाल होता है कि हम लोग सोर को फीट खिला देते हैं? किसको? पीक को। तो ये बेसिकली सुअर को खिलाने को, या भैंस को भी, गाय को खिला सकते हैं? अभी तक तो गाँव में तो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, कर सकता है। ओके, सो ये है कुछ मुर्गे वगैरह सब कुछ आपको लोकल वाइब। सो फाइनली ऐसा कुछ भाई का गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है। सो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप ज़रूर इस जगह पे आए, विज़िट करें, और जो ये अपने लोकल इतने सुंदर गांव है, इनके लोगों को भी सपोर्ट करें, भाई को सपोर्ट करें, इधर आके काफ़ी आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा इस साइड में आके। छोटा बच्चा इधर ही भाई का नहीं इतना कि आपने वो काफी एंगल जी, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है solojourney07, और फेसबुक आईडी है solojourney। सो आई होप आपको सब कुछ पसंद आया। सो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। नज़ारा है पूरी रिवर का, काफ़ी इसकी गहराई बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा चौड़ी वाइड, जिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड, जो कि बना हुआ है